नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग है वहाँ पर एरर स्टेबिलाइज एंड डाटाबेस कनेक्शन का एरर दिखाई दे रहा है या किसी वजह से आ गया है, तो हम कैसे इस एरर को फिक्स करें और अपनी वेबसाइट को लाइव करें। तो आज के वीडियो में स्टेबिलाइज एरर को हम फिक्स करना सीखेंगे। ये एरर कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसको कैसे ठीक करें और अपनी वेबसाइट को लाइव करें। यहाँ पर ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर ये एरर आया हुआ है, देखिए। ठीक है, ये एरर को फिक्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे दोस्तों पहले आपके होस्टिंग पैनल में जाना होगा अपन को। तो मैं होस्टिंग पैनल में जाता हूँ, ये वेबसाइट जहाँ होस्ट है यहाँ पर हम गोडेडी, मेरी ये वेबसाइट एक होस्टिंग गोडेडी पे है। मैं गोडेडी के अंदर लॉग इन होता हूँ। यहाँ पर हम साइन इन करते हैं, आप साइन इन हो जाइए और माय प्रोडक्ट में जाइए। माय प्रोडक्ट पे आने के बाद आप अपनी होस्टिंग में अंदर जाइए। आपकी होस्टिंग ये है, इस डोमेन नेम पर सिंपल सा मैनेज पे जाइए आप। मैनेज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ सी पैनल एडमिन में आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपल सा दो फंक्शन को यहाँ पर ओपन करना है, एक फाइल मैनेजर वाले को करना है, जैसे कि मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ फाइल मैनेजर। ठीक है, और दूसरा हम कर लेते हैं अपना MySQL डाटाबेस को, MySQL डाटाबेस। ठीक है दोस्तों, आपको MySQL डाटाबेस ओपन होने के बाद आप फाइल में जाएंगे, जैसा कि मैंने फाइल मैनेजर खोला है। ठीक है, यहाँ पर फाइल मैनेजर में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पब्लिक अंडरस्कोर HTML होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको bp कन्फिगर .php पे क्लिक करना ही है। राइट बटन क्लिक करेंगे, आपको एडिट दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये एरर MySQL डाटाबेस से आती है, जब आपकी वेबसाइट में कोई पासवर्ड या मिसमैच होता है या डाटाबेस का जो यूजर आईडी मिसमैच होता है, तो वहां पर इस तरह की एरर शो होती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हमारे डाटाबेस खोला हमने, ओपन किया है। तो यहाँ पर डाटाबेस देखिए, डाटाबेस यूजर ये है, देख लेते हैं फिक्स सही है। डाटाबेस देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर डाटाबेस DB यूजर, DB यूजर ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, और सॉरी यहाँ पर डाटाबेस नेम और डाटाबेस यूजर, तो यह नेम ठीक है हमारा, यूजर और चेक कर लेते, यूजर भी एक ही बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर भी चेक कर लेते हैं, दोनों एक से हैं। अब यहाँ पासवर्ड थोड़ा मिसमैच लग रहा है, तो अपन पासवर्ड दोबारा जनरेट करेंगे। वो कैसे करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम पासवर्ड हम इसमें करेंगे चेंज। तो उसके लिए आपको नीचे आना है, चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पासवर्ड जनरेट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, सॉरी यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। ये आपका MySQL डाटाबेस का पासवर्ड होगा, इसकी वजह से शायद एरर आ रही है। इसको कॉपी करना है और यूज पासवर्ड करना है, उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद ऐड करेंगे और यहाँ पर मेके चेंजेस कर देंगे। उसके बाद ये पासवर्ड अपन इसमें डालेंगे, पासवर्ड कहाँ पर है इस पे अपन जाएंगे, ये पासवर्ड जो अपन ने कॉपी किया है यहाँ पर DB पासवर्ड में डाल देंगे और यहाँ पर
सेविस कर देंगे। सेविस करने के बाद चेक करते हैं वेबसाइट को। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। ये एरर MySQL डाटाबेस से आता है। आप यूजर आईडी चेक कर सकते हैं, यदि यूजर आईडी अगर ठीक नहीं है ठीक है तो आप डाटाबेस का नेम चेक कीजिए, वहां भी ठीक है तो आप पासवर्ड दोबारा उसे MySQL का पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से आप स्टेबलिश एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड